हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ध्रुव। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया है। अच्छा दोस्तों, होता क्या है कि हम जब भी किसी को कॉल करते हैं, जैसे आप किसी को कॉल करते हैं जब भी, एग्जांपल जैसे मैं कॉल कर रहा हूं, कॉल करने के बाद उसने मेरा कॉल जैसे ही पिकअप किया, मींस जिसे मैंने कॉल किया है उसने मेरा कॉल पिकअप कर लिया, मेरा कॉल उठा लिया। अब मैं इस कॉल को अगर रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो मैं जैसे इस पर रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं तो होगा क्या, मुझे भी पता चल जाता है कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है और जिसे मैंने कॉल किया है उसको भी पता चल जाता है कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि आवाज करता ही है। आप सुनिए, मींस पता चल जाता है और ऑटोमेटिकली एक फोन ही बता देता है कि ये कॉल जो है आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही बात सेम सामने वाले को भी पता चल जाता है। और जैसे ही अगर आप स्टॉप करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग तो वो भी अनाउंस कर देता है, कॉल रिकॉर्डिंग हैज नाउ एंडेड, और ये बात सामने वाले को भी सेम यही चीज सुनाई देता है, यही अनाउंसमेंट। दोस्तों, ये जो कॉल अनाउंसमेंट है इसे हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपने फोन की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और इससे आप ये समझिएगा कि जो ये कॉल रिकॉर्डिंग का अनाउंसमेंट होता है ये सामने वाले को सुनाई ना दे, इसके लिए हम क्या करें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। तो आप किसी का भी कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो कॉल रिकॉर्डिंग का जो अनाउंसमेंट होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया पहले, वो अनाउंसमेंट जिसे आप कॉल कर रहे हैं उसको भी पता चल जाता है अच्छी तरह से कि आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में सबसे पहले जाना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है TTS LEXX, आपको इसको जस्ट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको जस्ट ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं प्रीफर्ड इंजिन, आपको इस पे क्लिक करना है और जो ये लिखा हुआ है स्पीच सर्विस बाय गूगल, इसको हटा के आपको TTS LEXX पे आपको क्लिक करके ओके कर देना है। ये ओके करने के बाद आपको बैक कर देना है और उसके बाद आपको अगेन सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप में जाना है अपने, और फिर ऐप मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फोन, ये जो आप देख रहे हैं ये फोन। सर्च करने के बाद इस पे आपको क्लिक करना है इस फोन पे, और उसके बाद ये जो स्टोरेज यूजेज है इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लियर कैश आपको कर देना है और क्लियर डाटा कर देना है। ये दोनों करने के बाद आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। तो दोस्तों, मेरा फोन अब रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट होने के बाद अब मैं किसी को कॉल करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इस नंबर पे कॉल किया, ठीक है, और कॉल करने के बाद मैं जो है कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग पे मैं अभी जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट जो है वो अब स्टॉप हो गया। मीन्स आप किसी का कॉल अब रिकॉर्ड करिएगा तो किसी सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, आप किसी का भी कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो सामने वाले को इस ट्रिक से पता ही नहीं चलता है कि आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें, इससे उन लोगों का भी भला होगा और साथ में आपका भला तो हो ही रहा है। और प्लीज कमेंट जरूर करें जिससे मेरा भी भला हो।